हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे। मैडम अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, नीट एग्जाम के लिए 4 मंथ का टाइम बचा है और इन 4 मंथ्स में हम कैसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। देखिए, जब एग्ज़ाम पास आता है तो हर एक बच्चा डरता है कि वो कैसे पढ़ेगा, क्या करे क्या ना करे। इसके लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई कोर्सेज एडमिशन लिए थे, अभी फ्री हुए हैं, या फिर किन्हीं कारणों से वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए हैं और वो अब चाहते हैं कि 4 मंथ में अगर हम पढ़ें तो क्या उनको नीट एग्ज़ाम में 650+ मार्क्स मिल सकते हैं, और मिले तो कैसे मिलेंगे। तो आज हमारे टॉपिक से बात करें, उससे पर छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले चीज़ समझिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टाइम मैटर ज़रूर करता है। देखिए, 4 मंथ का टाइम बचा है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर बहुत कम समय है, तो अगर आप इसको ऐसे वेस्ट करना चाहते हैं वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको तो अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो उसको आप कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर होती है। ठीक है, तो 4 मंथ है, या तो उसको आप स्टॉप ही कर दें या फिर दिल और जान से मेहनत करके आप क्रैक कर सकते हैं। तो फटाफट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से 4 मंथ में जो है, जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग 90% है, आप 650 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको लेकर लिख ले, जो पॉइंट लाने वाला हूँ उसी को फॉलो करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, वो भी अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। देखिए, समय कम बचा है तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी हम अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और एग्जाम से पहले चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जितना आप पढ़ पाएं डेली, 5 टॉपिक 8 टॉपिक, जितना आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा बनाए टाइम टेबल और टारगेट करिए कि हमें इतना टॉपिक हर हाल में कंप्लीट करना है। बेशक आप 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ें, 18 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है 4 मंथ में 650 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि रिवीजन को भी अपने टाइम टेबल में ऐड करें। देखिए, अगर आप आपने पढ़ा और फिर 20 दिन तक या 25 दिन तक आपने पढ़ा तो आप भूल जाएंगे, तो इसीलिए अपने स्टडी टाइम में जो आप बनाएंगे उसमें आप रिवीजन को भी टाइम दें। कम से कम आप चाहे वीक में 2 दिन कर दें, जैसे भी करें, लेकिन आपको रिवीजन को ऐड करना है, वो भी अपने अकॉर्डिंग। देखिए, मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि आप जो है टारगेट ना कर पाए, तो जो आपकी कैपेसिटी है, जो आप टारगेट सेट करते हैं उसे अकॉर्डिंग कम से कम वीक में 2 डेज सेलेक्ट करिए जिसमें आप रिविजन करें। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या दोस्तों की जो सिलेबस आपका नीट का है, मतलब जो प्रीवियस ईयर था, अभी नया नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मार्क कर लीजिए और पहले उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, फिजिक्स पोर्शन से भी, केमिस्ट्री पोर्शन से भी। देखिए, समय कम बचा है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे जिसमें कि आपने अच्छा टाइम टेबल बना लिया, रिविजन शेड्यूल बना लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि किसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले पढ़ रहे हैं, तो जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। देखिए, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा थ्योरी पे फोकस करेंगे तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो थ्योरी के साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन करने के बाद एक आता है मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसमें होता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और टेस्ट में आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है, जो टीचर होता है वो आपको एक शेड्यूल देता है कि हाँ आपको 3 आवर्स में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो इससे आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको ये पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन से चैप्टर्स आप नहीं कर पाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी मॉक टेस्ट दीजिए। सवाल ये आता है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ऑनलाइन किस पे दें, तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप फ्री आप कास्ट इनरोल कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको ₹3.5 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपके सामने हैं वो नेम्स जिन्होंने इससे प्रीवियस स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था फ्री ऑफ कास्ट और वो विनर रह चुके थे, तो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कोड अभिषेक सिंह 0 यूज़ करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और कोड यूज कर आप फ्री ऑफ कास्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं और 3.5 करोड़ का स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हैं। आप बहुत से बच्चे कहते हैं कि आखिर अकेडमी को हम क्यों ज्वाइन करें या टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट करें, तो आपके सामने है वाई इनरोल फॉर नीट यूजी कॉम्बैट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो टेस्ट है वो 28 मार्च को है, 11 AM पे है, आपको मिलेगा 60 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 60 मिनट में आपको 28 क्वेश्चंस करने हैं।
तो फटाफट इनरोल करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अच्छा स्कोर करें, प्राइजेस जीतें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो तो है कि आप अपना खुद का एक अच्छी स्टडी मटेरियल बनाएं, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल आप सेल्फ से बनाएंगे तो जब आप रिविजन करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी जो है कंपेयर टू अदर। अगर आप दूसरे की पढ़ेंगे तो फिर आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ। जब आप सेल्फ से बनाएंगे अच्छा स्टडी मटेरियल तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो 4 मंथ में आप जो चीज़ पढ़ें उसको लिखकर पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा स्टडी मटेरियल बन जाएगा। एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले 20 दिन पहले उसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज कि आप कभी भी एग्जाम में गेस वर्क ना करें। देखिए 4 मंथ है, अभी से आप किसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन लगाए और अगर नहीं लगा तो उसको स्किप कर दिए, ये सब मत करिए, गेस मत करिएगा। और जो आपका वीक जोन है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, उसको अच्छे से पढ़ें, उस पर 10 मिनट ज़्यादा टाइम दें, लेकिन जब तक वो पूरा सेशन क्लियर ना हो जाए, सभी डाउट्स क्लियर हो जाए, तब तक उस टॉपिक से स्किप मत लीजिएगा, क्योंकि 120 डेज आपके पास हैं और ये सफिशियंट है आपको अच्छा स्कोर करने में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।